मैं पापा से जाकर सब कुछ बता देती हूँ। ठीक है तो जाओ जाओ ना, हम भी यही चाहते हैं कि तुम खुद जाके पापा से बात करो। अपने आप को जान से मार डालने की धमकी उनके सामने नहीं दे पाओगी। मुझे पूरा यकीन है कि शरद का अब नेहा के साथ कोई रिश्ता नहीं। करण आया था ऑफिस में मिस्टर सक्सेना का मैसेज लेकर। जी पापा। शरद कहाँ हो तुम? पापा मैं जरा बाहर आया हूँ ऑफिस के काम से। चलो नेहा प्लीज समझने की कोशिश करो। मिस्टर सक्सेना की हालत बहुत खराब है, अपनी जान देने तक की कोशिश की उन्होंने। देखो नेहा, तुम उनके बारे में क्या सोचती हो, क्या चाहती हो, ये तुम्हारा परसेप्शन है। मैं तुम्हें उनके लिए अपनी राय बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं। थिंक अबाउट इट। बेशक उन्होंने आज तक कितनी गलतियां क्यों ना की हो, लेकिन वो भी एक इंसान है नेहा। उनकी भी अपनी बेटी से मिलने की इच्छा होती होगी, तो क्यों नहीं सोचो नेहा। उनके बारे में ना सही, कम से कम अपने बारे में तो सोचो। क्या तुम यूं ही बिना किसी पहचान के जीना चाहती हो? लोग जिंदगी भर तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में पूछते रहे, तुम पर उंगलियां उठाते रहे, तो तुम्हें मंजूर है? नेहा क्या तुम नहीं जानना चाहती कि तुम्हारी माँ कौन थी, कैसी थी? अपने ही खून पर भी भरोसा करने का जमाना ही नहीं रहा। शरद ने हमसे झूठ बोला, हमारी पीठ पीछे अब भी मिलता है उन्हें यहां से। दिस इज चीटिंग। धोखा किया है उसने हमारे साथ। मुझे तुम्हें अपने मां बाप को धोखा दिया। मैं जानती थी मैं कि ये लड़की इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। बहुत चालाक लड़की है ये, शरद को अपनी मुट्ठी में करने के लिए कुछ भी कर सकती है। काकुल और सिंथिया की तरह ये भी हमारा बेटा हमसे छीन कर ले जाएगी। और आपको, आपको ये आपकी ही कंपनी से अलग करने की चाल चल रही है। इससे पहले कि देर हो जाए आपको एक्शन लेना चाहिए। बाबू साहब बताए हमें कि बंटी की बर्थडे पार्टी पे अमरनाथ जी बहुत टेंशन में थे किसी लड़के को लेके। नहीं अगर आप कहें तो नाना को कह के जन्मपत्री निकलवाए उसका, और अगर जन्मपत्री आपके पास पहले से है तो फिर मुहूर्त निकलवा देते हैं उसका। नहीं जीजू, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। आई मीन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। नाना को इसमें इन्वॉल्व करने की। अरे ड्यूट में कैसे बोल लेती हैं आप दोनों, मतलब यदि आपके परिवार का कोई जिक्र भी कर दे तो आप दोनों तो पल्ला झाड़ के पीछे पड़ जाती हैं भाई। नहीं चीचू, हम तो बस यही कहना चाह रहे थे कि देखो काकुल, जिस तरीके से ये ड्यूट में बोलने का रिहर्सल किया है ना आप दोनों ने, वैसे थोड़ा एक्टिंग का भी प्रैक्टिस कीजिए आप। छुपता नहीं है, दिखता है सब। अभी भी आप दोनों हमें बताना चाहेंगी कि थोड़ा और कोशिश करना चाहेंगी छुपाने का? सुजीत जी अगर कोई, देखिए हमारा कोई इंटेंशन नहीं है आपकी पर्सनल जिंदगी में इंटरफेरेंस करने का, लेकिन अगर हम आपके किसी भी काम आ सके तो हमें खुशी होगा। देखिए ऐसी कोई बात अगर, अरे अरे सुनो जरा, देखो तो अंदर बंटी को। अरे बेटा वो बंटी कहाँ है, तुमको दिखाया था इधर कहीं? वो बाहर ही कहीं खेल रहा था बाबू साहब। नहीं खेल तो हम ही रहे थे उसके साथ, आंख में झोली, फोन आ गया मेरा।
फोन के बाद मैंने उसे खोजना शुरू किया तो कहीं मिला ही नहीं। मैंने चारों तरफ खोज लिया है। कहाँ जा सकता है? यही कहीं छुपा होगा शायद। बस हम देखते हैं। नहीं बनेगा जी, बाहर इन लोगों ने पूरा खोज लिया है, कोना कोना गार्डन का। हमको लगता है आप अंदर खोजिए। हाँ, हो सकता है शैतानी में कहीं अंदर ही छुप गया हो। हम देखते हैं। बंटी बेटा जल्दी से आ जाओ। बाबू साहब बंटी कहीं नहीं मिल रहा है। देखो बड़े दामाद जी अंदर गए हैं, उधर जाकर। अच्छा मामा काउंट कर रही है। 1 2। सिंथिया दीदी आप परेशान मत होइए, यही कहीं होगा बंटी। सिंथिया बेटा जी, बंटी कहीं अपने दादाजी के पास तो नहीं चला गया है? मैंने एक मिस्टेक कर दी। मिस्टेक? मैंने किसी को बताया नहीं मैं दादाजी के घर आ रहा हूँ। फिर नाना जी फोन पे बिजी हो गए और फिर काकू चाची मम्मी नाना जी सब मुझे वहाँ ढूंढ रहे होंगे। ऐसी गलती क्यों की बेटा, बता के आना चाहिए था, वहाँ सब लोग परेशान हो गए। सॉरी। अमर बेटा तुम फोन कर दो ना। रहने दीजिए, आप क्यों फोन करेंगे? बेटा तब से गायब है उन्हें जरा भी परवाह नहीं। हाथ धोती है लापरवाही की, गप्पों में बिजी होंगे। बेटा व्हाट इज दिस, बिना बताए यहाँ पे आ गए हो, हम सब कितना परेशान हो रहे हैं। सॉरी मम्मी। व्हाट सॉरी, जान निकल गई थी मम्मा की, पता है? सिंथिया क्यों डांट रही हो उसे? अरे बच्चा ही तो है ना, मन किया चला आया। दादी माँ लेकिन बता के तो आना चाहिए ना। अरे आप क्यों खड़े हैं, बैठिए ना। एक फोन कर लेती, पता चल जाता कि बंटी यहाँ है। हाँ फोन कर लेना चाहिए था मुझे, ये बिना बताए आ गया तो घबराहट में कुछ सूझ ही नहीं रहा था मुझे। अपने दादा के घर आने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत है क्या? तुम लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि इस बच्चे ने बहुत बड़ी गलती कर दी। पापा जी बंटी के यहाँ आने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे एक बार बताकर तो आना चाहिए था ना। भाई बच्चे तो बड़ों को ही देखकर सीखेंगे ना, जैसे तुम सब लोग बता के काम करते। बढ़िया बच्चे को समझाने वाले। उत्तर आई तो वाह, 2 मिनट में जान निकल गई। मैं तो कहती हूँ कि बेटे से अलग होने की आदत डाल दो, वरना हमारी उम्र में पहुंचकर बहुत दुख उठाओगी जब ये भी किसी के पीछे अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाएगा। अब चलना चाहिए। चलना चाहिए। नमस्ते। बंटी ये गिफ्ट तुम्हारा। थैंक यू। अरे इसकी क्या जरूरत? वो सॉरी बिना बताए आ गया, वो बर्थडे के दिन गिफ्ट नहीं लाया था ना बंटी के लिए, इसलिए। नाना जी हम लोग साथ मिलकर खेलेंगे, आप भी खेलोगे ना? श्योर व्हाई नॉट। दादाजी आप भी चलिए ना। नहीं बेटा इस वक्त खेलने का बिल्कुल मूड नहीं है। पापा कहते हैं खेलने से मूड अच्छा हो जाता है, प्लीज चलिए ना, चलिए ना, प्लीज चलिए ना, प्लीज। मेरी बात तो सुन। अरे बंटी हमारे आंगन में चलो, वहाँ खेलेंगे फुटबॉल, और दादाजी को आराम करने दो। हाँ। अरे नहीं सुन, यही खेलते हैं, ये देख हमारा गार्डन ज्यादा बड़ा है। सच दादाजी? अरे नहीं काकुल, वो बंटी का बड़ा फिकर हो गया था इसलिए फोन गुमा दिया तुम्हें। हाँ अरे नहीं, और नहीं त्रिशा का फिकर करने का कोई जरूरत नहीं है, इसके तो हम अंडर कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट सेवक हैं, तो हम है ना, फिकर करने का क्या जरूरत है। हाँ
हाँ ठीक है, नहीं नहीं तुम आराम से आओ, जल्दी आने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, चल बाय। तो बंडी अपने दादाजी के घर पे और सब यूं ही परेशान हो रहे थे, ये बच्चे भी ना, बच्चे भी तो सिर्फ परेशान नहीं करते हैं मैडम, ये बच्चे ससुर बड़े, आराम से बैठो, बड़े चमत्कारी पहुंचे हुए सिद्धत फंटुस टाइप के होते हैं सारे ससुर, जो बड़े नहीं कर पाते वो इस छोटे बच्चे कर देते हैं, मालूम है? क्या किया है उसने? बंटी फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल खेल रहा है तो कभी जिंदगी में हमें अपना लाइन कंप्लीट करने दोगी तुम? अच्छा बोलिए। बंटी फुटबॉल खेल रहा है अपने नाना जी और दादाजी के साथ। क्या लगाना करंट सर, इस नन्हे फरिश्त ने इन दोनों एल्डरली जेंटलमैन के बीच के सारे सिकवे शिकायत को दूर कर दिया अपनी मासूमियत के दम पे। वो कहते हैं ना त्रिषा के असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, वैसे ही बच्चे भी अपने माँ बाप से ज्यादा अपने ग्रैंड पेरेंट को प्यार करते हैं। वो तो होता ही है, क्योंकि नाना नानी दादा दादी बहुत लाड करते हैं ना उनका, कभी कभी तो माँ बाप गुस्सा भी कर देंगे, थप्पड़ भी मार देंगे, लेकिन वो लोग नहीं ऐसा करेंगे, वो माँ बाप को डांटेंगे लेकिन बच्चों को नहीं। कोटेशन जैसा बात कर दिया तुमने। एक बात बताओ, मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करूंगी, बहुत लाड़ करूंगी उसके, कभी उस पर हाथ नहीं उठाऊंगी, इतना प्यार करूंगी शायद किसी माँ ने अपने बच्चे पे किया होगा। क्या हुआ, भरोसा नहीं आपको? अरे नहीं त्रिषा, तुम पे तो बहुत भरोसा है, लेकिन खुद की किस्मत पे भरोसा नहीं होता है। क्या हमें तुम मिले, हम इतने अखड़ उजड़ किस्म के आदमी हैं, बिल्कुल रफ एंड टफ, तुम बिल्कुल वैसी हो वो जैसे रेगिस्तान में ठंडे पानी की झील जैसी हो। जानती हो त्रिषा, हमें लगता है हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें तुम्हारी जैसी बीवी मिली है, आज आज डायरेक्टली बोल रहे हैं तुमको। अरे तुम इतनी प्यारी काहे हो भाई त्रिषा? क्योंकि आप अच्छे हैं और अच्छे लोगों को अच्छा ही नजर आता है, समझे? हाँ सबके सब यहीं बैठे थे और सबके सामने ही विक्की ने बंटी को गिफ्ट दिया। आई डोंट बिलीव दिस मामा, विक्की ने कुछ बताया नहीं इस बारे में मुझे, उसे वो आना नहीं चाहिए था। I don't know why he did that. सब लोग क्या अभी भी वहीं पर हैं? हाँ सबके सब यही हैं, बाहर खेल रहे। हाँ थोड़ी देर में नाश्ते की फरमाइश भी करने लगेंगे। हाँ हाँ मैं सब जानती हूँ, ये सब नाटक है इस घर में घुसने के लिए। अच्छा मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। हाँ जरा इन मेहमानों की खातिरदारी भी कर लूं। ऐसे बेशर्म लोग मैंने आज तक नहीं देखे। मामी जी प्लीज, जो हो गया उसे भूल जाइए, वैसे भी बड़े तो हमेशा बच्चों की गलतियां माफ कर देते हैं। दुनिया का सुख एक तरफ मम्मी जी, और अपनों का प्यार एक तरफ। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप बस हमें अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दीजिए प्लीज। देखो तुम्हारी चापलूसी में आने वाली नहीं हूं मैं, इसलिए अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। खबरदार जो मेरे पास आने की कोशिश भी की, हमारी शराफत का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लिया है तुम लोगों ने। और कह देना अपने बाबूजी से, जिस मकसद से हमारे पड़ोस में आकर बसे हैं ना, वो कभी पूरा नहीं होगा। काकुला हम बाहर चले, सबको प्यास लगी होगी ना।
लड़की जो घर पे आया था जरूर उसके पीछे कोई ना कोई मतलब होगा। वो शायद जानता है कि 6 महीने में उससे कुछ होगा नहीं, उसके बस की बात नहीं है। सो उसने सोचा कि घर चले जाते हैं, घर वालों का दिल बहला लेते हैं, मन जीत लेते हैं, शायद उससे कोई फायदा पहुंचे। कि अगर इसी तरह बहाने बना बना के घर जाता रहा ना, तो बहुत जल्दी पापा को उस रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा। और जब उन्हें ये पता लगेगा कि हमने भी उनसे ये बात छुपाई, तो तुम जानते हैं उनका क्या रिएक्शन होगा। विशाल, इससे पहले की बात बढ़े, तुम क्यों नहीं पापा को बता देते? कुछ चाहिए आपको? चाय, कॉफी? नहीं। पापा, आपने डॉक्यूमेंट्स देखकर उन पे साइन कर दिया ना? वैसे तुम कहो तो मैं घर के पेपर्स पर भी साइन करके तुम्हें दे दूं। शरद, क्या हुआ पापा? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? शरद, शरद, बहुत भरोसा था मुझे तुम पर, इसीलिए मैंने अपने बिजनेस की सारी रिस्पांसिबिलिटी तुम पर सौंप दी। लेकिन कितना गलत था मैं, कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करे। शर्म नहीं आती तुम्हें मुझसे झूठ बोलते हुए? झूठ? कैसा झूठ पापा? मुझसे कह के गए कि ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूं और वहां कॉफी शॉप में बैठे नेहा के साथ रोमांस कर रहे थे तुम। वो एक्चुअली मैं नेहा को। तू नेहा को क्या? नेहा तुझको चाल चलना सिखा रही होगी। उसी ने कहा होगा तुझे कंपनी का नाम बदलने के लिए, और तूने ऐसा ही किया। माँ, नेहा ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन शरद, तुमने मुझसे कहा, तुमने कहा कि पापा मैं बिना किसी कंडीशन के बिजनेस ज्वाइन करने के लिए राजी हो रहा हूँ। कहा या नहीं? जिसका साफ मतलब यही था कि नेहा से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और अब तुम उससे मिल रहे हो, वो वादा भूल गए? पापा, मैं नेहा से किसी और वजह से मिलने गया था। करण आया था मेरे ऑफिस में, उसने कहा कि सक्सेना नेहा से मिलना चाहते हैं, काफी बुरी हालत है। अब तुम नेहा के पर्सनल मैटर्स में भी इन्वॉल्व होने लगे? अरे क्या जरूरत है उसकी? क्या लगती है वो तुम्हारी? उसकी हर छोटी बड़ी बात में उसका साथ देते फिरते हो। तुम्हें ये मालूम है ना शरद, तुम्हें मालूम है ना कि वो सक्सेना की बेटी है? सपोले की बेटी भली कैसे हो सकती है? नहीं, हमने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जो इन बाप बेटी को झेलना पड़ रहा है हमें। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस वक्त कुछ कहना चाहिए। मैं आपसे बाद में बात करता हूं पापा। ये सीखा है शरद ने उस लड़की से। हम यहाँ उसके भले की बात कर रहे हैं और साहबजादे कहते कि अभी बात करना ठीक नहीं। वहां रहने दो ना, उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, कोई असर नहीं होने वाला उस पर। Love you for your valuable advice. ऑफिस भी आती है क्या वो? नहीं माँ, मेरे सामने तो नहीं आई। मैंने अपना सेल रखा था यहाँ पर। ये पड़ा है ना? नहीं, ये पापा का है। लो, तेरे पापा अपना फोन भूल गए और तेरा फोन लेकर चले गए। पापा कहाँ गए? वॉक पे गए हैं। क्यों, तुझे क्या हो गया है? ओ, नेहा का मैसेज आने वाला होगा, कोई जरूरी। मैं कुछ नहीं सोच पा रही हूँ माँ, कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है बेटा, मेरा मतलब है अपने लिए ना सही, पर अब देखो ना, हमेशा ही शरद ने तुम्हारी हर बात मानी है, तो उसकी एकाध बात का मान तुम्हें भी रख लेना चाहिए। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं।
मैं मिस्टर सक्सेना से मिलूं या ना मिलूं, इस बात का शरद से कोई लेना देना नहीं। उसका काम था मुझे मैसेज देना, दैट्स ऑल। नेहा, तुम कुछ भी कह लो, मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकती। तो आप ही बताइए कि आपको विश्वास दिलाने के लिए क्या करूं मैं? मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूं कि मेरी जिंदगी में शरद के लिए कोई जगह नहीं है। I have nothing to do with him. झूठ बोल रही हो तुम। सरासर झूठ बोल रही हो। सच क्या है वो मैं जानता हूं। शरद अब भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है और रहेगा। कब तक तुम अपनी मां को और हम सबको धोखा देती रहोगी? For God's sake, नेहा, बंद करो अब इस खेल को। इस खेल को अब बंद करो नेहा। लोगों का घर उजाड़ कर हमें भी चैन नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करती हूं, आज के बाद नेहा शरद से कभी भी नहीं मिलेगी, और अगर वो मिले तो आप जो सजा देंगे वो सराख होगा। मम्मा पापा तुमसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि तुम उससे नेहा से मिलने गए थे। तो किसी को मिलना कोई गुनाह है क्या? मैं नेहा को मिस्टर सक्सेना से मिलने के लिए कन्विंस करने गया था। जेल में सुसाइड करने की कोशिश की उन्होंने। We don't